गल्फ का पेरिस कहे जाने वाले बेरूत शहर में इस समय हर तरफ धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि कल रात इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में 35 स्थानों अलग अलग स्थानों पर एयर स्ट्राइक की है। IDF के फाइटर जेट्स ने शहर के दक्षिणी हिस्से में 8 जगहों को निशाना बनाया है। वहीं बेरूत एयरपोर्ट के आसपास इजरायल ने हिजबुल्ला के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। IDF ने दावा किया है कि उसने साउथ बेरूत में उस बिल्डिंग को बमबारी में उड़ा दिया है जिसमें हिजबुल्ला के हथियारों का जखीरा रखा था। बेरूत के आसमान में इस समय धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। इजरायल ने जैसे हमास को खत्म करने के लिए गाजा में बम बरसाए और पूरे शहर को खंडहर में तब्दील कर दिया, उसी तरह अब हिजबुल्ला का नामो निशान मिटाने के लिए वो बेरूत में बमबारी कर रहा है। हमास की तरह हिजबुल्ला ने भी रिहायशी और नागरिक आबादी के बीच अपने ठिकाने बना रखे हैं। इजरायल बेरूत में एयरपोर्ट, बाजारों, अस्पतालों और होटलों के पास जहां कहीं भी हिजबुल्ला के ठिकाने हैं उनको चुन चुन कर निशाना बना रहा है। इन हमलों में आम लोग भी चपेट में आ रहे हैं। बेरूत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वीरान हो चुका है। ज्यादातर देशों ने बेरूत के लिए अपनी उड़ानें बंद कर दी हैं। इजरायल एयरपोर्ट पर होने वाली हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। बेरूत के बंदरगाह क्षेत्र में स्थिति है जैतूनाए बे। यहां जानकारी के मुताबिक पता चला है कि दक्षिण बेरूत की अपेक्षा यह इलाका ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यहां का प्रशासन सिविल गवर्नमेंट संभालती है। दक्षिणी बेरूत का इलाका हिजबुल्ला का गढ़ है और यहां हिजबुल्ला का शासन चलता है, इसलिए इजरायल बेरूत के दक्षिणी हिस्सों को ज्यादा निशाना बना रहा है। दक्षिणी बेरूत में इजरायली हवाई हमलों से बचने के लिए लेबनानी नागरिक बंदरगाह क्षेत्र की ओर भाग रहे हैं और सड़कों पर रातें गुजारने के लिए मजबूर हैं। हिजबुल्ला ने भी इजरायल के कुछ इलाकों को रॉकेट से निशाना बनाया है। वहीं जानकारी से यह भी पता चला है कि इस समय इजरायल में मौजूद हैं और हिजबुल्ला के 7 अक्टूबर को हाइफा शहर पर रॉकेट दागे जिसमें कम से कम 10 इजरायली नागरिक घायल हो गए। हिजबुल्ला ने एक बयान भी जारी करके ये बताया है कि उसने फादी 1 मिसाइलों से हाइफा के दक्षिण में कॉमल बेस को निशाना बनाया। वहीं 7 अक्टूबर के हमले की पहली बरसी से पहले इजरायल ने लेबनान और गाजा पर बमबारी की थी। इजरायल के हवाई हमलों ने रविवार को बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में कई इमारतों को तबाह कर दिया है। बम गिरने के बाद आसमान में आंख के बड़े गोले उठ रहे हैं और पूरा बेरूत धमाकों से गूंज उठा है। इजरायली सेना ने यह भी कहा है कि उसके लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्ला के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर बमबारी की है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजरायल पर अचानक हमला बोल दिया था। उसके लड़ाकों ने इजरायली टेरिटरी में घुसकर कत्लेआम मचाया। इजरायली आंकड़ों के अनुसार उस दिन हमास के हमलों में उसके 1200 नागरिक मारे गए और 250 से अधिक को बंधक बना लिया गया था। इन हमलों के बाद इजरायल ने युद्ध की घोषणा की और हमास को खत्म करने के इरादे से गाजा में बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया कि गाजा पर हमास का नियंत्रण था और यहां उसी की सरकार चलती थी। इजरायल ने भीषण बमबारी करके घनी आबादी वाले इस तटीय इलाके को बर्बाद कर दिया है। इजरायली सैन्य कार्रवाई में लगभग 42,000 लोग मारे गए, उसमें इस्माइल हानिया और मोहम्मद डैफ जैसे हमास के शीर्ष नेताओं को भी मार गिराया है। फिलहाल इजरायल ने गाजा की घेराबंदी कर रखी है और अब उसने लेबनान में हिजबुल्ला के खात्मे को अपना अगला लक्ष्य बनाया है। तो फिलहाल के लिए लेबनान और इजरायल वॉर को लेकर ये बड़ा अपडेट है। इस मुद्दे पर और भी अपडेट्स के साथ वापस लौटेंगे। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।